सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, अब हम लोग हमारे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब आपकी यूनिट नंबर 3 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लीना एंड मीना वर इन पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहां पे लीना मीना पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3। बैलेंस शीट यहां पे दे रखी है, यहां पे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखी है। जनरल रिजर्व क्या होती है, रिजर्व क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इससे पहले वाली क्लास में, ठीक है। और यहां पे आपको गुडविल भी दे रखी है। अगर भाई क्वेश्चन में गुडविल दे रखी होती है तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो गुडविल दे रखी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसलिए हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो भाई यहां पे देखेंगे भाई यहां पे क्या लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको रेस करना है तभी रेस करोगे, वरना कभी भी रेस नहीं करोगे गुडविल को, ठीक है। हमेशा हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2020 बैलेंस शीट आपको दे रखी है 31 मार्च 2020 की, और यहां पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 को यहां पे एडमिशन हुआ है। They decided to admit Nina into partnership, giving her a 1/5 share in future profits. तो यहाँ पे नीना को ये एडमिट करते हैं। आई क्या लिखा हुआ है? She brings in ₹80,000 as a share of capital. ठीक है, तो उसकी कैपिटल दे रखी है। The partners decided to revalue the assets as follows. गुडविल का यहाँ पे दे रखा है। अब भाई जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, वहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, तो वहां पे गुडविल का वैल्यूएशन होता है। नया पार्टनर जो होता है उसे गुडविल लाना पड़ता है, साथ में कैपिटल लानी पड़ती है। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है आपको। फिर यहाँ पे रिवैल्यूएशन दे रखा है। प्लांट की वैल्यू दे रखी है 40,000। प्लांट कितने का आपका यहाँ पे देखो दे रखा है, प्लांट ये आपका प्लांट दे रखा है कितना, 45,000। अब ये 40,000 का हो गया है, ठीक है, और 45 से 40,000 हुआ है, यानी कि यहाँ पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, प्लांट का हो गया। इसके बाद डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स 38,000 के हो गए हैं, ये भाई आपके 38,000 के हो गए हैं, तो यहाँ पर भी भाई आपका डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। स्टॉक आपका 42,000 हो गया है, ये भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। इसके बाद बिल्डिंग आपकी 90,000 हो गई है, बिल्डिंग आपका यहाँ पे अपवर्ड रिवैल्यूएशन है, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000, ठीक है, ये भाई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। बिल रिसीवेबल 12,000, बिल रिसीवेबल 12,000 का हो गया है भाई, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका है रिवैल्यूएशन अकाउंट में भाई कैसे हम लोग बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे आपको बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसका नाम लिख देना है आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब देखो आपका इसमें बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, जब भी असेट्स की बात करूँ मैं और अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूँ, तो असेट जो होते हैं असेट के बढ़ने पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं। असेट के कम होने पे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे ही लाइबिलिटी के बढ़ने पे या कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो उसके बढ़ने पे हम लोग क्रेडिट करते हैं और कम होने पे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। बाकी जो दूसरा अकाउंट होता है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, तो अगर असेट डेबिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अगर असेट क्रेडिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और सेम इसी केस में ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कह लो चाहे इसे आप पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कर लो, ठीक है। लाइबिलिटी अगर क्रेडिट हुई है तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा, लाइबिलिटी अगर डेबिट हुई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। बस ये सिंपल सा फंडा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आगे क्या लिखा हुआ है? गुडविल वॉज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज इट वॉज परचेज्ड। परचेज्ड है तब भी हम लोग राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि रेस करो तभी रेस करेंगे, ये गलत काम हम तभी कहेंगे जब हमारा ये गलत काम हम लोग तभी करेंगे जब क्वेश्चन हमसे ऐसा कहेगा। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने गुडविल के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। आई क्या लिखा हुआ है? द पार्टनर्स ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू शो गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही हम लोग करते हैं, ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपसे पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। आपका लीना और मीना की ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 60,000, 1,40,000। तो भाई सबसे पहले आप ये लिख दो, कैपिटल अकाउंट बनाओ और सबसे पहले आप बाई बैलेंस बीडी करके ये सब लिख दो, 60,000, 40,000, 1,40,000, ठीक है। इसके बाद आपको जनरल रिजर्व दे रखी है, जनरल रिजर्व भाई बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में, लीना और मीना में ये बांट दी जाएगी, ठीक है। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 2:3, तो 40,000 डिवाइड बाई 5 × 2, 16,000 और 24,000, ठीक है, 16,000, 24,000 ये बांट दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो गुडविल दे रखी है 60,000, ऐसे ही आपकी गुडविल जो है वो भी 2:3 में बांट दी जाएगी, मतलब इसको बांटा नहीं जाएगा, मतलब इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो राइट ऑफ करने के लिए गुडविल जो है इसको डेबिट कर दिया जाएगा, गुडविल जो है इसको भाई यहाँ पे एंट्री पास होगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए टू गुडविल, ये एंट्री पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 60,000 है, 60,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 24,000 और 60,000 माइनस 24,000 36,000 ये राइट ऑफ हो जाएगी, 24,000 36,000 ठीक है, 24,000 36,000 ये राइट ऑफ हो जाएगी। इसके बाद आगे और क्या दे रखा है आपको, इसके बाद यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है इसकी एंट्री कर दो पास, ठीक है। तो भाई इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू नीनास कैपिटल अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नीनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री होगी इसकी। इसके बाद यहाँ पे रिवैल्यूएशन का दे रखा है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। सबसे पहले यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो डेबिट होगी और बाकी आपके सारे जो हैं वो आपके क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके जो भी ये दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे आपके क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी, बिल्डिंग आपकी डेबिट होगी, बाकी जितने भी सारे आपके असेट्स हैं वो आपके क्रेडिट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका रिवैल्यूएशन आप कर लोगे आराम से। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, गुडविल वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एज इट वाज परचेज, हमने राइट ऑफ कर दी है। अब यहाँ पे जो गुडविल आपको दे रखी है इसका मैं एडजस्टमेंट आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो गुडविल का एडजस्टमेंट का देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको न्यू रेशो जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको 1/5 शेयर दे रखा है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे अगर रेशो नहीं गिवन हो तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखते हैं लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेट द प्रॉफिट ऑफ फर्म बी ₹1। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा, जहाँ पे कुछ नया आएगा जो मुझे लगता है डिस्कस करने के लिए, तो वहाँ पे मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1, फिर यहाँ पे हमें दे रखा है नीना का शेयर, नीना नाम है ना इनका भाई, नीना, तो नीना के लिए लिखता हूँ एंस शेयर, नीना के लिए लिख देता हूँ एंस शेयर, एंस शेयर कितना है 1/5, देयर फोर रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1-1/5 यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एल्स न्यू शेयर कितना आ जाएगा, ये जो 4/5 रिमेनिंग शेयर है इसमें से इसे कितना मिलेगा 2:3, तो इंटू 2/5, 4/5 इंटू 3/5, ये किसका आ जाएगा, एम्स न्यू शेयर 4×2=8, 5×5=25, 4×3=12, 5×5=25, ठीक है। और फिर आपका L:M:N कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/5 है N का, तो ×5×5 यानी कि 5/25, तो 8:12:5 ये आपका रेशो आ जाएगा, ठीक है। 8:12:5 अगर मैं यहाँ पे करूँ गुडविल एडजस्टमेंट LMN, ठीक है। गुडविल आपकी कितनी दे रखी है, 1 लाख दे रखी है आपकी गुडविल, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट दो, ओल्ड रेशो कितना है 2:3, ओल्ड रेशो कितना है भाई 2:3, और न्यू रेशो कितना है, फिर हम लोग इसे न्यू रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो कितना है भाई आपका 8:12:5, ठीक है। तो 1 लाख को अगर हम बांटें 1 लाख डिवाइड बाई 5×2, तो 40,000, 60,000 और यहाँ पे ये भाई आपकी क्रेडिट हो गई। अब हम लोग इसको डेबिट कर देंगे, पहले गुडविल को क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, फिर इसको डेबिट कर दो न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख डिवाइडेड बाई 12×8=20×5=25 डिवाइड बाई 25 यानी कि 4,000 × 32,000 ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा, एंस कैपिटल अकाउंट भाई डेबिट हो जाएगा 20,000 से, ठीक है। एंस कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो गया 20,000 से। इसके बाद 60,000 - 48,000 12,000 भाई ये क्रेडिट हो जाएगा, एम का कैपिटल अकाउंट 12,000 से क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे 8,000 से इसका एल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट अब आप बना लोगे, यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 8,000 और 12,000, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आप बैलेंस निकाल लोगे 68,000, 1,52,000, 60,000, ये आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी आपकी रिवैल्यूड फिगर है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखो बैंक पहले कितना था, बैंक आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 18,000 प्लस कैपिटल कितनी है भाई, कैपिटल इसकी दे रखी है 80,000। तो 18,000 प्लस 80,000 कितना भाई 98,000, ठीक है। फिर आपका ये बैंक भी आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो नई बात है बस मैं यहाँ पे वही डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की। तो मैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह लो चाहे इसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड कर लो। तो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, इसका एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में भी दिया है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं वहाँ पे जो भी फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो भगवान ना करे जो भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं कभी उनके चोट लग जाती है, कभी उनके भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, ऐसा ना हो किसी के साथ। तो ये जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स क्या करते हैं, पहले से ही क्या करते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना लेते हैं। पहले से ही जो भी इनका प्रॉफिट आ रहा होता है उसका 10% 20% क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को अलग करके रख लेते हैं। और इसको अलग करके रख लेते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि भविष्य में अगर किसी वर्कर को चोट लगती है, अगर किसी वर्कर का भाई एक्सीडेंट हो जाता है फैक्ट्री में, तो ये जो आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसी को ही एज अ कंपनसेशन हम लोग उस वर्कर को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी को सही में चोट लगती है, एक्चुअल में चोट लगती है, तो जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है फिर ये लायबिलिटी बन जाती है उनकी, ठीक है। उसके बाद वो लायबिलिटी को इसको वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, फिर जो भी आपके वर्कर्स हैं वो इसको क्लेम करते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी लायबिलिटी है लायबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, जब ये लायबिलिटी बनेगी तो उसकी एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसको हम लोग भाई आराम से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये लिखा हो सकता है देयर इज नो लायबिलिटी, या क्वेश्चन में ये लिखा हो सकता है कि लायबिलिटी जो है लायबिलिटी आपकी ज्यादा है जितना आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। यानी कि होता क्या है, मान लीजिए जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपने जो बनाया है 60,000 का, लेकिन एक्चुअल में जो नुकसान होता है मान लीजिए 1,00,000 का, ₹1,00,000 का, ठीक है, नुकसान जो होता है वो 1,00,000 का हो जाता है। तो यहाँ पे लायबिलिटी जो है लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस ये होता है कि मान लीजिए भाई फर्म का जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फर्म में कोई नया पार्टनर आता है या कोई रिटायर होता है, ऐसा कुछ होता है, यानी कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और उस टाइम क्या होता है जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होती है उसका अमाउंट ज्यादा होता है लायबिलिटी से। तो एक तीन केस आपके दे रखे हैं। सबसे पहले अगर कोई लायबिलिटी नहीं है और रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, यानी कि कोई नया पार्टनर आता है, ठीक है, कोई नया पार्टनर आता है या कोई रिटायर होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, अगर कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है, यानी कि भाई किसी को भी चोट नहीं लगती है, कोई भी वर्कर है, सारे के सारे वर्कर सेफ हैं, ठीक है, तो वहां पे हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ये भाई किसने बनाया था, किसके एफर्ट्स थे, जो भी आपके पास्ट में मेहनत करी थी जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स थे। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाती है ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री बिल्कुल सेम जनरल रिजर्व की तरह होती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये इसकी एंट्री होती है। इसके बाद मैं बात करता हूं केस नंबर 2 की। अगर लायबिलिटी ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपकी लायबिलिटी है मान लीजिए ₹1,00,000 की, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं लायबिलिटी जो है वो आपकी ₹1,00,000 है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो दे रखा है देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो 1,00,000 की है, मान लीजिए वर्कर जो है
उन्होंने भाई आप पे केस कर दिया है कि भाई आपको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, और वहाँ पे कोर्ट कहता है कि भाई आप इन वर्कर्स को 1,00,000 रुपए का कंपनसेशन दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे लाइबिलिटी जो है लाइबिलिटी ज़्यादा है, तो लाइबिलिटी ज़्यादा है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है इसको यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कितना है भैया 60,000 का। और फिर आप एंट्री पास करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन आपका एक तरीके से ये लॉस है 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, और फिर जब आप एक्चुअल में पे करोगे, क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भाई जो लाइबिलिटी है इसका पेमेंट हो गया है कैश में, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी है इसको डेबिट कर दोगे टू कैश या टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 1,00,000, 1,00,000। ठीक है, इसके बाद अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो आपकी ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 40,000 की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपकी दो एंट्री पास होंगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइबिलिटी आपकी सिर्फ 40,000 की है, तो आप एंट्री पास कर दो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी कितनी 40,000, 40,000, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसके लिए एंट्री पास होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कितना 20,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20K। ठीक है, तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ पे आपका दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है 1:1, यहाँ पे दे रखा है इक्वली, तो यहाँ पे 30,000 जो होगा ये बट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 30,000, 30,000। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ तो है नहीं खास, बाकी जैसा क्वेश्चन आपसे कहता है बस आपको वैसा करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो है वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन आप आराम से कर लोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है अगला क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन है आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। ठीक है, अभी जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है इसमें भाई कुछ गलती है, जैसे कि यहाँ पे गुडविल वाज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एवरेज प्रॉफिट लिखा हुआ है, और यहाँ पे पहले साल आपके प्रॉफिट 39,000 के हैं, दूसरे साल बड़े हैं, यानी कि आपके पहले साल जो प्रॉफिट हैं वो 39,000 के हैं, फिर आपके 50,000 के, और फिर आपके 55,000 के हुए हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रेंड है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो यहाँ पे भाई वेटेड एवरेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपके सिंपल एवरेज कर रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पे भाई सिंपल एवरेज कर रखा है, तो यहाँ पे बस ये मुझे मिस्टेक लगती है। ठीक है, तो बस ये मुझे हल्की सी यहाँ पे मिस्टेक लगती है। तो भाई आप क्या करोगे, आप भाई जब भी आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप एग्जाम में एक वर्किंग नोट बना के आना, और वर्किंग नोट पे भाई ये समझा के आना ICAI को कि भाई यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है और हम यहाँ पे वेटेड एवरेज लिख रहे हैं। और देखो यहाँ पे जो गुडविल है, गुडविल वाज नॉट टू बी रेस्ड, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है गुडविल जो है गुडविल नहीं रेस करते हैं। और क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन 99.99% आपको हमेशा बताएगा कि गुडविल जो है गुडविल को बुक्स में रेज नहीं कर रहा है, यानी कि गुडविल जो है उसको हमेशा राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है, ये रिवैल्यूएशन जो है रिवैल्यूएशन आप कर लोगे, और यहाँ पे जो भी जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बस आपको वैसा ही करना है। आरव एंड नीरव टू ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल ऑफ 35,000, 25,000, तो आपको क्या करना है, कैपिटल की कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो भाई यही एंट्री पास हो जाएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी आपका भाई जो भी होगा वो बैलेंस आ जाएगा, और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट ही बनाओगे, ये आपका बैंक अकाउंट कह लो चाहे इसे कैश अकाउंट कर लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला, तो हम आगे बढ़ते हैं, बाकी सब रिपीट हो रही हैं बातें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस आपके इंक्लूड हुए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपके वही के वही हैं। ठीक है, सत्यम शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स ग्रेट स्टेशनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1:2, तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 1:1:2।
यहाँ पे देखो आपको गुडविल दे रखी है, लोन फ्रॉम सत्यम दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस मैं वही यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गुडविल की, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज इट वाज अ परचेस्ड गुडविल। परचेज गुडविल है तब भी राइट ऑफ करेंगे। अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा कि गुडविल जो है उसको रेस करना है तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में देखो इसमें नहीं दे रखा है कि गुडविल आपको रेस करनी है। गुडविल इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1,20,000, यानी कि भाई जब भी कोई पार्टनर आता है या कोई जाता है तो क्या होता है, गुडविल का रीवैल्यूएशन होता है। तो गुडविल का यहाँ पे वैल्यूएशन हुआ 1,20,000, यहाँ पे गुडविल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म टोटल कैपिटल आपको दे रखी है, और यहाँ पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पे गलती से 3:2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 2:3 होगा। तो 1,20,000 है इसका मैं गुडविल एडजस्टमेंट यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुडविल एडजस्टमेंट, कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे, सत्यम शिवम सुंदरम। कौन यहाँ पे गया है, शिवम रिटायर हुआ है, तो यहाँ पे हमारे जो शिवम भाई साहब हैं ये हमारे रिटायर हो गए हैं, ठीक है। ये शिवम भाई साहब जो है हमारे रिटायर हो गए हैं। रेशो कितना दे रखा है, 1:1:2 ये भाई ओल्ड रेशो दे रखा है 1:1:2, और न्यू रेशो क्या है आपका, न्यू रेशो आपका दे रखा है 2:3। गुडविल कितनी है आपकी, 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। बस कर लो भाई, 2 × 3 = 4, 1,20,000 डिवाइड बाई 4 यानी कि 30,000, यानी कि 30,000 और 60,000, ठीक है। और यहाँ पे 2:3 में रिटायर कौन हुआ है, शिवम रिटायर हुए हैं, तो 2:3 में 1,20,000 डिवाइड बाई 5, 24,000 × 2, 48,000, और 1,20,000 माइनस 48,000 तो 72,000, ये क्रेडिट ये डेबिट। तो भाई ये कितने, डेबिट कितना होगा यहाँ पे, 48 - 30 = 18,000 ये डेबिट हो गए, और भाई ये कितने भाई यहाँ पे क्रेडिट होंगे भाई 30,000 से, ये भाई क्रेडिट होंगे, और यहाँ पे 60 - 72 12,000 से ये क्या होंगे भाई, 12,000 से ये डेबिट होंगे, ठीक है। तो सत्यम और सुंदरम भाई हमारे डेबिट हो जाएंगे, सत्यम और सुंदरम हमारे जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे 18,000 - 12,000 से, ठीक है, 18,000 और 12,000 से, और 30,000 से शिवम भाई साहब हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका गुडविल एडजस्टमेंट है, बहुत सिंपल है। अब एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किसके हैं, ये इन्वेस्टमेंट फर्म के हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपके 85,000 के, और यहाँ पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बैलेंस शीट में देखो इसका लोन दे रखा है, लोन फ्रॉम सत्यम 94,000। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है 85,000 से 94,000 पे लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे रीवैल्यू करते हैं, यहाँ पे रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉस होता है रीवैल्यूएशन का, वो फर्म का होता है, ठीक है, क्योंकि फर्म यहाँ पे सेटलमेंट कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट 85,000, 94,000 माइनस 85,000, तो यहाँ पे 9,000 से यहाँ पे इसका रिवैल्यूएशन होगा, एक तो एंट्री आपकी ये होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, लोन जो है, लोन यहाँ पे खत्म हो रहा है तो लोन फ्रॉम सत्यम डेबिट हो जाएगा और टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 94K और 94K, यही एंट्री आपकी पास हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी सत्यम डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट 94,000, 9,000, 85,000। किया क्या है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपका किया क्या है, यहाँ पे आपका ये जो एंट्री है इन दोनों एंट्री को मिक्स करके लिख दिया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें क्वेश्चन में कुछ नया है नहीं। आपको अगर कुछ लगता हो, कुछ डाउट हो तो भाई मेरे से पूछ लेना, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है मेरा, व्हाट्सएप नंबर क्या है मेरा, 7060698547। एक्चुअली जिन क्वेश्चंस पे डाउट था बच्चों को, उसके लिए मैंने भाई अलग से एक लाइव क्लास मैंने बना दी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट है नहीं, और मेरा कोशिश बस यही है जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट इन सबको कवर करा दूँ। इसका आता है आपका यूनिट नंबर 5, डेथ ऑफ पार्टनर। अभी जो डेथ ऑफ पार्टनर वाला क्वेश्चन है, इसमें जो आपकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है, बस ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। अब अगर भाई असेट साइड में आपकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है, तो भाई यहाँ पे जेएलपी एज एन एसेट वाला क्वेश्चन है, जेएलपी एज एन एसेट वाला क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफी मिस्टेक्स हैं,
ठीक है, देख रहे हो आप कितनी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जेएलपी एज एन असेट वाले क्वेश्चन में देखो होता क्या है। अब जेएलपी का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं। एक तो होता है आपका जेएलपी एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस, और एक होता है जेएलपी एज एन असेट, एक होता है आपका जेएलपी एज अ रिजर्व। जेएलपी एज अ रिजर्व क्या होता है उसके लिए आप क्लास देखिए, ठीक है। यहाँ पे बस मैं असेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सपेंस वाला भी एग्जांपल लिया है, क्यों लिया है आपको भी पता लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दे रखा है, यहाँ पे 60,000 का आपका यहाँ पे दे रखा है, तो ये जो 60,000 है ये भाई आपकी सरेंडर वैल्यू दे रखी है। हम लोग सरेंडर वैल्यू को एज एन असेट ट्रीट करते हैं, यानी कि सरेंडर वैल्यू क्या होती है, सरेंडर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, अगर कोई नया पार्टनर आ जाता है, कोई नया पार्टनर आ जाता है, या कोई नया पार्टनर या कोई पार्टनर रिटायर होता है पुराना वाला, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़वा लेते हैं। तोड़वा लेते हैं क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स में सरेंडर वैल्यू बट जाती है। आपको जो जो भी आपकी लाइफ पॉलिसी वाले होते हैं, जो भी आपके इंश्योरर होता है, इंश्योरर क्या करता है आपको सरेंडर वैल्यू आपको दे देता है, क्योंकि आप पहले से ही उसको तोड़वा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, अब जेएलपी एज एन एक्सपेंस की बात करूं, यहां पे मान लो आपका जेएलपी प्रीमियम जो है वो आपका मान लीजिए 90,000 है, और आपका सरेंडर वैल्यू जो है वो आपकी 60,000 है, ठीक है। तो जेएलपी एज एन एक्सपेंस में क्या होता है, एक्सपेंस में हम लोग जो जेएलपी प्रीमियम है इसको हम लोग पूरा दिखाते हैं, तो हम लोग एंट्री पास करते हैं जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दूसरी एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। और मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है, अभी देखिए आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मान लीजिए आपका 2 लाख है, ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए, ठीक है। तो जेएलपी प्रीमियम का कितना है आपका 90,000 लिख देता हूँ, यहाँ पे 90K लिख देता हूँ, ठीक है, और ये आपका 90K और ये आपका 90K, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस 90K से कम हो गया, 90,000 से कम हो गया, 2 लाख माइनस 90,000, तो यहाँ पे 1,10,000 के प्रॉफिट जो हैं ये क्या होंगे भाई, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये पार्टनर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 1,10,000 के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करके, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि भाई अभी आपको जब पॉलिसी का अमाउंट मिलता है तो क्या होगा, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असेट के केस में क्या होगा। असेट के केस में क्या होता है, असेट के केस में मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, जो भी आपका जेएलपी प्रीमियम है इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, 90,000 है इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, एक होता है हमारा प्रीमियम वाला हिस्सा और एक होता है हमारा सरेंडर वैल्यू। ये जो सरेंडर वैल्यू है इसको एज एन असेट दिखाते हैं बुक्स में। प्रीमियम कितना है आपका, प्रीमियम आपका यहाँ पे 90,000 है, उसमें सरेंडर वैल्यू कितनी है 60,000, तो बाकी का यहाँ हम लोग 30,000 को हम लोग क्या करते हैं एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले आपकी एंट्री होगी जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक 90,000, पूरा 90,000 पे कर देते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग एक्सपेंस दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम एक्सपेंस दिखाते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30,000 का, 30K, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे बताओ, हमारे प्रॉफिट्स थे यहाँ पे 2 लाख के, और यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 30,000 ही लेस किया है, तो 2 लाख माइनस 30,000, तो 1,70,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे ये भाई आपका एक्सपेंस वाला है और ये आपका जेएलपी एज एन असेट वाला है। यहाँ पे आपके 1,70,000 के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन यहाँ पे आपके 1,10,000 के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यहाँ पे जेएलपी एज एन असेट में क्या हुआ है, आपके प्रॉफिट जो है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सरेंडर वैल्यू जो है, सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जब आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ डेथ की, अब अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है और मान लो यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे दे रखी है 2 लाख वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो आप 2 लाख रुपए जो है, 2 लाख रुपए में से जो आपके प्रॉफिट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, कितने बढ़ चुके हैं भाई, यहाँ पे 1,70,000 है, सरेंडर वैल्यू आपकी कितनी थी, सरेंडर वैल्यू आपकी 60,000 थी,
ठीक है। अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट्स आपके यहाँ पे 1,70,000, यहाँ पे 1,10,000 थे और यहाँ पे 1,70,000, दोनों में डिफरेंस क्या है, 60,000 के प्रॉफिट्स आपके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो 2 लाख में से आप जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं इसको आप माइनस करोगे और जो बैलेंस 1,40,000 होगा इसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जेएलपी का देख लो, 2 लाख माइनस 60,000, तो 1,40,000 जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना दे रखा है, रेशियो आपका दे रखा है यहाँ पे 2:1:2, 2:1:2, 2:1:2, 2, 4, 1, 5, 1,40,000 डिवाइड बाई 5, तो 28,000 into 2, 56,000, 56,000, ठीक है। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पॉइंट आपका कवर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व है उसको भी भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 1,40,000 है तो भाई ये भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जनरल रिजर्व, वो भी सेम अमाउंट होगा क्योंकि सेम अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 1,40,000 है, यहाँ पे भी 1,40,000 है, ठीक है। तो ये सिंपल वाले पॉइंट कवर हो गए। गुडविल आपकी दे रखी है 80,000, ओल्ड पार्टनर्स की है, राइट ऑफ कर दो भाई 80,000 को 32,000, 60,000 को 2:1:2 में 80,000 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 16,000, 32,000, 32,000, तो भाई ये वाला पॉइंट भी आपका कवर हो गया। सिंपल वाले पॉइंट में डिस्कस कर लिए हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। किया डाइड ऑन 30 सितंबर 2020, अब मृत्यु जो है, मृत्यु तो ऐसा तो नहीं है कि साल के एंड में 31 मार्च को ही किसी की मृत्यु हो, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, मृत्यु तो अनसर्टेन है, कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, 30 सितंबर 2020 को यहाँ पे मृत्यु हुई है, ठीक है। हम लोग बैलेंस शीट कब बनाते हैं, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं साल के एंड में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे, जो भाई किया जो है, किया के जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे कैसे कैलकुलेट होंगे, सब कुछ यहाँ पे दे रखा होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट में एक्चुअल में पता नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि देखो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इससे आपका नेट प्रॉफिट पता लगता है, फिर आप ईयर एंड पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, और उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है ये आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भाई ये साल के एंड में बनता है, ये भाई 30 सितंबर को नहीं बनता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा अकाउंट खोल लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये होता है पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट का लॉजिक। अब देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोस, द पार्टनर्स टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल्स बट नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। अभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जब प्रॉफिट आ जाता है साल के एंड में तब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे पार्टनर्स को। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमें यहाँ पे 30 सितंबर जो है वहां तक का जो है, 30 सितंबर तक जो है वहां सबका आपको 30 सितंबर जो है वहां पे डेथ हुई है, और हम लोगों को बैलेंस शीट जो है यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लिखा होगा, बैलेंस शीट आपको जो बनानी है बैलेंस शीट एज ऑन 30 सितंबर की आपको बनानी है, ठीक है। तो हमारे जो फाइनल अकाउंट्स है वो आपके 30 सितंबर को बन रहे हैं, और यहाँ पे अप्रोप्रिएशन हम लोग करते हैं साल के एंड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये अप्रोप्रिएशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर की डेट, जो पार्टनर की भाई यहाँ पे डेथ हुई है सिर्फ उसे ही अलाउ करेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ किया को अलाउ होगा, बाकी पार्टनर्स को अलाउ नहीं होगा, क्योंकि बाकी पार्टनर्स जो हैं वो आपके अभी जिंदा हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बाकी पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के एंड में अलाउ होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को डाउट आता है। अब यहाँ पे गुडविल का पॉइंट रखा है, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 एज इट वाज परचेज गुडविल, ओके, दैट अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 1 year's परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 4 years, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छी बात है, प्रीसीडिंग द फॉर द 4 years प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर, अच्छा भाई ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर दे रखे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, 12% यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे 31 मार्च प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1,62,000 है, 1,92,000, 99,000 है, फिर 1,87,000 है, यानी कि यहाँ पे कोई भी भाई ट्रेंड नहीं है,
पहले प्रॉफिट 1,62,000 थे, फिर 1,99,000, फिर आपके फिर कम हो गए, तो यहाँ पे आपका सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे एवरेज कैपिटल भी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे गुडविल के लिए आपको अलग से कैपिटल दे रखी है, तो यहाँ पे जो 12% आप करोगे, 12% आप 3,00,000 का करोगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखी है फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, आपकी कैपिटल इतनी है तो आपको इतनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये गुडविल का वैल्यूअर आपसे कह रहा है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स का एवरेज कर लोगे। ये आपके सारे प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस 1,87,000 प्लस 1,96,000 डिवाइड बाई 4 कर दोगे तो यहाँ पे आपके 1,86,000 आ जाएंगे, ठीक है। 1,86,000 में जो भी आपकी कैपिटल दे रखी थी क्वेश्चन में, उसको 12% से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे, 3,00,000 × 12% 36,000 माइनस कर दोगे इसमें 36,000, तो आपका आ जाएगा 1,50,000। और 1 ईयर परचेज दे रखी है तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू वन से तो आपका यहाँ पे 1,50,000 जो है वो आपकी गुडविल आ जाएगी। अब गुडविल का यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट देख लो भाई। गुडविल एडजस्टमेंट कितने पार्टनर्स में, यहाँ पे दिया रिया किया दे रखे हैं आपके। ओल्ड रेशो कितना दे रखा है आपका, ओल्ड रेशो आपका दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 2:1:2। न्यू रेशो कितना दे रखा है भाई, न्यू रेशो दे रखा है क्या, ओ भाई अपॉन द डेट, ओके न्यू रेशो यहाँ पे नहीं दे रखा है क्या, देखो भाई कहीं पे लिखा हो, न्यू रेशो नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो दिया और रिया है यहाँ पे, ठीक है। और न्यू रेशो क्या होगा आपका, न्यू रेशो आपका क्या होगा, 2:1। जब नहीं दे रखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, जब नहीं दे रखा होता है तो भाई जो आपका ओल्ड रेशो होता है उसी के हिसाब से आपका न्यू रेशो आ जाता है, तो यहाँ पे 2:1 होगा। किया जो है, किया चली गई है, तो न्यू रेशो आपका 2:1 होगा, 2:1, ठीक है। यहाँ चाहे तो आपको क्या है, अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, किया को शेयर जो है, किया का शेयर आपको दे रखा है 2/5 आपका दे रखा है शेयर, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। लेकिन जब आप नहीं दे रखा होता तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी नया रेशो होता है, नए रेशो में जो आपके पुराने पार्टनर्स जो भाई चल रहा था आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वही आता है, ठीक है। आप चाहे करके देख लेना, ठीक है। जो भी आपके नए पार्टनर्स हैं उनका जो रेशो है वो 2:1 ही आएगा, कैलकुलेशन करके देखोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट ले लोगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, तो 1 - 2/5 तो 5 - 2 गया 3/5, ठीक है। तो नया रेशो क्या आ जाएगा, 2/5 × 3/5 नया रेशो क्या आएगा, 2/3 × 3/5 और 1/3 × 3/5 6/15 और यहाँ पे 3/15 6 × 3 = 6 × 3 = 15 और 3 × 1 = 3 × 3 = 15 यानी कि 2:1। देखो भाई इतना ही आएगा, ठीक है। तो 2:1 जो है वो आपका रेशो हो जाएगा, बहुत ही बेसिक बातें हैं, 2:1, ठीक है। 2:1 गुडविल आपकी कितनी रखी है, आपकी गुडविल यहाँ पे दे रखी है 1,50,000, तो 1,50,000 2×4=5 30,000 × 2=60,000, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 2:1 में 1,50,000 / 3 तो 50,000 और कौन गई हैं, किया गई हैं, तो 50,000 और 1,00,000 ये क्रेडिट, ये डेबिट, तो कितना ये डेबिट होंगे, ये भाई 40,000 से डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। और ये भाई आपके डेबिट होंगे 20,000 से, ठीक है, 40,000 20,000 और यहाँ पे किया जो है ये आपकी क्रेडिट हो जाएंगी 60,000 से, ठीक है। ये आपकी गुडविल एडजस्टमेंट हो गया आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स टिल द डेट ऑफ डेथ। अब यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको भी भाई आप बांट दो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है और भाई जो भी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको कितना मिलेगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी कैपिटल दे रखी है 70,000, इसकी भाई डेथ हुई है
तो 70,000 का 12% कितना हो गया, 70,000 इंटू 12%, ठीक है, 8,400। और डेथ हुई है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ्स का। तो 8,400 इंटू 6/12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 4,200 ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ जाएगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या होगा, जितना भी उसका प्रॉफिट होगा, बैलेंस शीट में देखो आपका ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, यहाँ पे जो भी उसका प्रॉफिट होगा प्लस जो भी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ये दोनों मिला के यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 4,200। और देखते हैं आगे प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी एसर्टेंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। यहाँ पे प्रॉफिट जो है हमें निकालने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विद हर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल ही लिए थे, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, इसमें से आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे तो आप ये वाला नहीं लोगे, ये जो है ये आपका गुडविल वाला है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, एवरेज प्रॉफिट आपका यहां पे आया था, आई थिंक यहां पे ये 186,000 आया था, 186,000 में से जो भी आपके सारे पार्टनर्स हैं, दिया, रिया, किया, इन सब का आप क्या करोगे यहाँ पे 12% के हिसाब से इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस करोगे, जैसे कि देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में करा हुआ है। ये आपका देखो 186,000 जो आपने निकाला गुडविल के कलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे 6 मंथ्स प्रॉफिट ऐड करोगे इसमें, ठीक है। ये तो आपका भाई आ गया है, ये भाई आपका कब तक आया है, ये भाई आपका आया है 31 मार्च 2020 तक का, ठीक है। फिर अप्रैल से लेके सितंबर 2020, अप्रैल से लेके 30 सितंबर 2020 का आप क्या करोगे इसमें और ऐड कर दोगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ठीक है। तो आप 6 महीने का इसमें और ऐड कर दोगे, 6 महीने का ये कैसे ऐड किया है, 1,86,000 इंटू 6/12, ठीक है, 1,86,000 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ पे 93,000 आप और ऐड करोगे 6 महीने का, ठीक है। फिर आप क्या कर दोगे इसमें लेस करोगे, और देखो यहाँ पे सारी कैपिटल ली है और ये 6 महीने की कैपिटल ली है क्योंकि 30 सितंबर दे रखा है, अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक की, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है इसका टोटल 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70,000 कितना 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख पे आपका 12% 6 महीने के हिसाब से ये जो है ये आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 1,86,000 प्लस 93,000 माइनस 24,000 2,55,000 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से आप क्या करोगे किया का शेयर निकालोगे इंटू 2/5, ठीक है। एक सेकेंड इसमें मैंने कुछ गलत किया है लग रहा है, 1,86,000 आपका ये रहा, प्लस करोगे इसमें 6 मंथ्स प्रॉफिट 93,000, 2,79,000 इसमें आप लेस करोगे 24,000 तो आपका 2,55,000 आ रहा है यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट। यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है लग रहा है, एवरेज प्रॉफिट फॉर फुल ईयर, सॉरी मैंने यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक की, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस इतना देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 93,000 माइनस 24,000 69,000 आ जाएगा फर्स्ट अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2020 तक का। मैंने गलती से ये वाली फिगर भी ले ली थी, इसको नहीं लेना है, ठीक है। हम ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट निकालने हैं फर्स्ट अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का, ठीक है। जल्दबाजी में भाई कुछ भी हो गया कुछ भी हो जाता है। तो यहाँ पे 69,000 आपके आ गया, इसका भाई इसका शेयर कितना है 2/5 इंटू 2/5, तो यहाँ पे 27,600 आपका ये आ जाएगा। 27,600 क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो 27,600 आपका यहाँ पे आ जाएगा भाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 27,600, ठीक है। तो 27,600 प्लस 4,200 कितना आएगा, 27,600 प्लस 4,200 31,800 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो और क्या लिखा है क्वेश्चन में, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड, ओके, आफ्टर द डेट 2 लाख वाज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी वाला पॉइंट हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड, ये जो एप्रिशिएटेड वाला है ये जो आपका रिवैल्यूएशन है ये आप कर लोगे आराम से,
ठीक है। तो यहां पर रिवेल्यूशन प्रॉफिट आएगा, इसको आप बांट दोगे, रिवेल्यूशन प्रॉफिट को आप ऐसे बांट दोगे। गुडविल का एडजस्टमेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे गुडविल की जो एडजस्टमेंट की एंट्री है वो गलत करी हुई है, तो बस यही आपको ठीक करना है। यहाँ पे दिया और रिया जो है इसके कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, दिया और रिया जो है इसके कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होंगे, किया का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो बस यहाँ पे ये गलती कर रखी है, इसको आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंस आपका आ जाएगा, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, लिखा होगा अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश। तो यहाँ पे जो भी उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा, आप एंट्री पास करोगे टू बैंक, और यहाँ पे जो भी उसका बैलेंस आ रहा होगा वो क्या कर दोगे, उसे पे कर दोगे, ठीक है। फिर आप बैंक अकाउंट बनाओगे, बैंक अकाउंट में भी कुछ गलती है, सबसे पहले आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपने पे किया है, किसको पे किया है, यहाँ पे किया है किया को, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, किया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 247800, यहाँ से आया है भाई 247800, ठीक है 247800 यहाँ से आ गया। और उसके बाद यहाँ पे देखो आप जब बैलेंस निकालोगे तो यहाँ पे आपका ओवरड्राफ्ट आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 247800 माइनस 34510, ठीक है, और यहाँ पे आपका बैलेंस प्रॉब्लम दे रखा है आपका 34510, इसमें से माइनस करोगे 247800 तो आपका 213290, 213290, एक सेकेंड, बैंक इसका कितना दे रखा है आपका, बैंक आपका दे रखा है 34510, बैंक आपका 34510, ठीक है। और इसके बाद आपका बैंक बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, कियास कैपिटल आपका इतना आ गया 247800, ठीक है, इतना आपने पे किया है, तो यहाँ पे ये 2 लाख, हाँ जनरल, हाँ ये, अरे हाँ गलती ये कर रखी है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, देख रहे हो क्या कर रखा है आईसीएन, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, ये भाई आपका 2 लाख आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा, तो बहुत सारी मिस्टेक कर रखी है भाई आईसीएन, क्या कर रहे हो आप लोग, 247800 माइनस 34510 माइनस 2 लाख, तो यहाँ पे 13290 फिर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 JLP करके एंट्री है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट, ये आपको करेक्ट कर लेना है, बहुत सारी मिस्टेक दे रखी है इस क्वेश्चन में। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपके कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखोगे दिया और रिया का, और यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपको पता ही हो, फिर आप ये रिवेल्यूशन करके लिख ही दोगे, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब इसके बाद भाई जो भी आपके नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं एनपीओ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, आपको हमेशा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। तो 350 × 1050 367500, यानी कि आपको इतना लेना है, एक साल में आपका कितना बनता है 367500। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आपका असेट होता है, सब्सक्रिप्शन आप रिसीव करते हो, ये आपका असेट है यानी कि रिसीवेबल है, इसका आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आता है डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आता है। फिर आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है, एक तरीके से आपकी लायबिलिटी होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड आती है इसका ओपनिंग बैलेंस, और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो आपका डेबिट साइड आता है। फिर आपको सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, तो आप एंट्री पास क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वाला है कि आपको भाई कितना पैसा एक्चुअल में मिला है। कुछ आपको एडवांस में मिल जाता है, कुछ आपको क्या होता है, कुछ आपका आउटस्टैंडिंग होता है, तो आपका जितना मिला है वो आप यहाँ पे लिख दो। और ये जो होता है ये आपका एक्रूअल बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे यानी कि कितना जो है, कितना एक्चुअल में आपको मिलना चाहिए पूरे साल का। तो यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, ये भाई मिस्टेक है, यहाँ पे कितना है 350 है, 350 × 1050 367500 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ ₹410,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिला कितना है, 410,000 आपको मिला है, ठीक है। और साल का कितना बनता है आपका, साल का बनता है यानी कि पूरा आपका पीरियोडिक बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, पूरे एक साल का, पूरे 365 डेज का, पूरे आपके फाइनेंशियल ईयर का बनता है 350 × 1050, ठीक है 367500।
और इतना आपको एक्चुअली मिला है, हो सकता है इसमें से किसी लोगों ने एडवांस दिया हो, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है और आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 45,000, फिर यहाँ पे आपका एडवांस का दे रखा है ओपनिंग का 30,000 और क्लोजिंग का 62,000, ठीक है। फिर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे, आपका ऑटोमेटिकली जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाई द जयपुर, यहाँ पे कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, हाँ नहीं है बीच में, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ईयर एंडेड आपको दे रखा है 31 मार्च 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाई द जयपुर लिटररी सोसाइटी वर 4,50,000। तो इतना आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है, रिसीव कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है 4,50,000। द सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे 31 मार्च 2019 का आपका दे रखा है 20,000, ये भाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का, जो कि भाई आपको यहाँ पे इस साल में मिल गया है, अच्छी बात है। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो ये भाई आपका क्लोजिंग बैलेंस रखा है आउटस्टैंडिंग का 15,000, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 बट पर्टेनिंग टू ईयर 2021 अमाउंटेड टू ₹26,000, तो भाई आपका क्या दे रखा है, ये भाई अगले साल का दे रखा है, अगले साल का एडवांस यहाँ पे आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 इंक्लूड द एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कितना है 18,000, ठीक है। फिर इसके बाद आप कैलकुलेशन करोगे, आपका ऑटोमेटिकली जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर क्या है, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो जाता है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे यहाँ पे दे रखा है आपका, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसिस एंड मैच फंड। तो आपको यहाँ पे मैच फंड दे रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आपको दे रखा है, मैच एक्सपेंसिस यहाँ पे दे रखे हैं, मैच फंड दे रखा है एज ऑन 1 अप्रैल 2019 30,000, डोनेशन आपको मिले हैं कितने 55,000, डोनेशन आप ऐड कर दोगे 30,000 प्लस 55,000, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ द मैच टिकट्स ये भी आप ऐड कर दोगे 20,000, एक्सपेंस कितने हुए 1,10,000, ठीक है। तो 30,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 1,30,000 प्लस 1,05,000 आ रहा है आपका, ये आपका आएगा 1,05,000, लेकिन आपके एक्सपेंस कितने हुए हैं, आपके एक्सपेंस हुए हैं 1,10,000। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये भाई निल हो सकता है, ये भाई निगेटिव में नहीं आएगा, तो आप 1,05,000 माइनस करोगे, ठीक है, 1,05,000 यहाँ पे माइनस कर दोगे और जो बाकी का है वो आपका चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पे 1,05,000 जो है वो आप फंड में से लेस कर दोगे और बाकी का जो आपका 5,000 रिमेनिंग है उसको आप एज एन एक्सपेंस अपने कहाँ दिखा दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है, सिंपल है ये। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे आगे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग खत्म करते हैं। Following is the receipt and payment account of the new bird 40 club for the year ended 31 March 2020. Receipt and payment account है, यानी कि भाई आपको कितना मिला है, अब हो सकता है इस साल में आपको एडवांस मिल गया हो सकता है इसमें आपका कुछ आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है, तो आपको एक्चुअल में कितना मिला है वो वहाँ पे दे रखा है। सब्सक्रिप्शन आपके एक्चुअल में कितना है, 1819 का मिला है 65,000, 1920 का मिला है 3,55,000, यानी कि टोटल कितना मिला है 3,55,000 प्लस 65,000, यानी कि 4,20,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो अपना और यहाँ पे लिखो बाय बैंक 4,20,000, ठीक है, 4,20,000 आपका ये हो गया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे क्लोजिंग दे रखा है 55,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग दे रखा है, तो आपका 4,20,000 आपका ये हो गया, ठीक है, और आपका यहाँ पे 65,000 जो है आपका ओपनिंग आपका दे रखा है यहाँ पे, जो आपको इस साल मिल गया है, तो ओपनिंग कहाँ जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया है गलती से, ये क्लोजिंग वाला आपका यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और ओपनिंग वाला आपका यहाँ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना है 65,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका दे नहीं रखा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा आपका 4,20,000 प्लस 55,000 माइनस 65,000 4,10,000, ठीक है, 4,10,000 ये आपका हो गया, 4,10,000 आपका ये चला गया इसमें।
और बोलो भाई और क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज दे रखी हैं आपकी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटिंग टू ₹40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये आपकी ऐड होंगी 1,65,000 प्लस 40,000, 1,65,000 प्लस 40,000, 2,05,000, ओके। इसके बाद डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। स्पोर्ट इक्विपमेंट आपने भाई यहाँ पे परचेज भी करे हैं, अच्छी बात है, बाई 25% फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020। तो भाई यहाँ पे इसका 25% इस पर डेप्रिशन ले लेंगे हम लोग, तो डेप्रिशन कितना आ जाएगा भाई स्पोर्ट इक्विपमेंट पे, 3,42,000 इंटू 25%, ठीक है, इंटू 25%। नहीं दे रखा है तो यहाँ पे एज्यूम ये करेंगे भाई साल के स्टार्ट में खरीदा है, ठीक है, तो डेप्रिशन आ जाएगा आपका 25% ऑफ 3,42,000 इनके 85,500, ठीक है, 3,42,000। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम लोग ये मानेंगे कि ये 1 अप्रैल को खरीदा है, तो पूरे साल का डेप्रिशन चार्ज कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट में कितनी दे रखी है 85,000, 85,000 का जो 50% है वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, 50% जो है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, 85,000 डिवाइड बाई 2, तो 42,500 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, 42,500 आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, बाकी आपका जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। यहाँ पे आप वर्किंग नोट बना के लिख देना कि आपका 50% यहाँ पे गया है, 50% आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कुछ तो है नहीं, बाकी आप क्या करोगे, बाकी आप यहाँ पे सेम ऐसे ही लिख दोगे। सबसे पहले आपका क्या क्या रह गया, ऑफिस एक्सपेंसेस रह गए हैं 35,000, ऑफिस एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे 35,000, फिर आपके टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चार्जेस होंगे, टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवलिंग 28,32,65, ठीक है। और इसके बाद आपका डोनेशन रह गए हैं 55,000 के, तो डोनेशन आपके 55,000 के आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल करने के बाद यहाँ पे बैलेंस आप निकालोगे, बैलेंस आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका सरप्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो भी आपके नए क्वेश्चन हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो भाई अब हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच गाइज़।